इमरान हाशमी और श्रेया धन्वंतरी ने अपनी फिल्म चीट इंडिया संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। फिल्म चीट इंडिया देश की विभिन्न समस्याओं को दर्शाता है। शिक्षा व्यवस्था से लेकर नौकरी पाने तक हर कदम घूसखोरी और भ्रष्टाचार से घिरा है। इस दौरान जो मेहनती और काबिल छात्र रह जाते हैं उनकी तरफ दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश फिल्म ने किया है। इतना ऑर्गेनाइज क्राइम है ये, हर स्टेट में इतना ऑर्गेनाइज हो गया है कि आप देख लो ना, 60% तो आपके रिजर्वेशन कोटा में चला गया है। अभी बाकी की जो 40% है उसमें आप अगर इतने अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को आप फेक डिग्रियाँ मिल जाएंगी तो डिजर्विंग स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई इस पर एक फिल्म बनाए और ये पेश करे ऑडियंस को, ताकि लोगों को पता चले कि इतना बड़ा खुलासा ये होता है हमारे सिस्टम में, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे बच्चों का दिमाग है उसकी परवरिश नहीं हो रही है, उसको नर्चर नहीं किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी फिल्म के बारे में? और यू नो कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई बिलीव यू विल बी प्लेइंग द लव इंटरेस्ट ऑफ इमरान। यस, हां जी। वो कितना इंपॉर्टेंट होता है किरदार, दूसरे किरदार को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? मैं एक्चुअली जब 4 साल की थी तब से मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो ये सब मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कैरेक्टर क्रिएट करना और स्टोरी में हेल्प करना, वो डेवलप कैसे होता है, ऐसे किस डायरेक्शन पे जा सकते हैं, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है, तो जब आसान है मीनिंग क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सब करने के लिए। पर इन टर्म्स ऑफ द लव सपोर्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। सिर्फ वही एंगल है कि नहीं मैं बता नहीं सकती हूँ, पर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो अब देखिएगा जरूर। मैं टैक्स फ्री को लेकर भी आपकी बातचीत चल रही है, वो कहाँ तक पहुँची है बात? और देखिए फिर डेट भी आगे पीछे हो चुकी है। उद्धव जी और आदित्य आपसे मिले, क्या उनसे भी आप बात करने वाले हैं टैक्स फ्री के सिलसिले में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है अगर हम एजुकेशन के लिहाज से देखें? नहीं, ऑफकोर्स टैक्स फ्री जाएंगे, और जब इनिशियली हमने कहा था तो लोगों ने बोला अच्छा चीट इंडिया जैसे टाइटल है, टैक्स फ्री अभी कैसे मिलेगा, इसमें नेगेटिव चीज़ है। लेकिन इस नेगेटिविटी को एक तरह जब हम पेश कर रहे हैं, इस चीज़ का खुलासा हो रहा है, और इस एक तरह से सिस्टम को मदद मिलेगी, लोगों को मदद मिलेगी कि पहले तो पता चले कि हम इससे आंखें नहीं घुमा सकते हैं, ये चीज़ हो रही है, मुंह नहीं फेर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये गवर्नमेंट देखे और इसे टैक्स फ्री कर दे, और ताकि और लोग भी देखें इस चीज़ को, जाने कि ऐसा हो रहा है हमारे सिस्टम में। एक पूरा ओवरहॉल रेवोल्यूशन लेके आना बहुत ज़रूरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और तभी हमारा देश कहीं यू नो उन ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत जरूरी है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, यू नो कि इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी लोग चुप हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। फिल्म चीट इंडिया जनवरी के 18 तारीख को रिलीज होने जा रही है।